तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो जो भाई लोगों का रिकनेक्टिंग प्रॉब्लम होता है, मतलब आप लोग व्हाट्सएप वगैरह में किसी को एसएमएस करने जाओ, उसके बाद आते हैं तो देखते हो फिर से रिकनेक्ट करके गेम के अंदर जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से बार बार करते हो, व्हाट्सएप पर आ जाए, कोई कॉल वगैरह करते हो, उठाते हैं तो फिर से आप लोग को रिकनेक्टिंग करके गेम के अंदर जाना पड़ता है। तो ये जो 1 GB 2 GB 3 GB फ़ोन वाले जितने सारे हैं, वो लोग फ़ोन में ज़्यादातर होता है। इसके लिए आप लोग को दो दो सेटिंग करना है, जिसको करने के बाद आप लोग को कभी भी एक दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। जो जो भाई लोग का रिकनेक्टिंग प्रॉब्लम के लिए वीडियो को क्लिक किए तो सही वीडियो में क्लिक किए, 100% सॉल्व हो जाएगा। 1 GB 2 GB कितना GB भी रैम हो, जो जो प्रोसेस आप लोग को ऑफ करके रखे हो, सिर्फ उसको ऑन करना है सेटिंग को, और आप लोग को 100% यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ओ गाइस, तो सबसे पहले बात आते हैं, आप लोग जैसे कोई भी चीज़, जैसे नाम चेंज करना है, नाम चेंज करने के लिए आप लोग कोई भी वॉइस सेट से आप लोग नाम वगैरह, स्टाइलिंग नाम वगैरह कॉपी करते हो, तो कॉपी करने के बाद जैसे यहाँ पर पेस्ट करने जाते हो, देखते हो बैकग्राउंड में नहीं चल रहा है गेम, फिर से हम लोग को रिकनेक्ट करके मतलब फिर से दोबारा गेम को ओपन करके जाना पड़ता है। जैसे व्हाट्सएप पे कोई हमारा दोस्त वगैरह SMS करता है तो हम लोग रिप्लाई करने जाते हैं तो आके देखते हैं फिर से दोबारा से गेम को ओपन करना पड़ रहा है। तो इस तरह से जैसे बार बार दिक्कत आ रहा है तो इससे परेशान हो तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। और बताने से पहले जो जो वाले नहीं हो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पर चलते, हम लोग सेटिंग वगैरह कर लेते हैं और इसको जो 100% आप लोग सही कर लेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाना है होम स्क्रीन पे और आप लोगों का सेटिंग को ऑन कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर सेटिंग को जैसे क्लिक करोगे, सेटिंग को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एंड्रॉइड फ़ोन मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर एंड्रॉइड फ़ोन में जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर बोल्ट नंबर मिल जाएगा, सब में बोल्ट नंबर मिलेगा, किसमें एंड्रॉइड वर्जन लिख के आएगा तो उसमें आप लोग को क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोग को डेवलपर ऑप्शन, जैसे 7-8 बार क्लिक करोगे तो डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। जैसे ऑन हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को चार्ज करके भी डेवलप ऑप्शन ले के आ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर सिस्टम में जैसे जाओगे नीचे के साथ आप लोग को डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें जैसे जाओगे यहाँ पर दो सेटिंग को आप लोग ध्यान से देख लेना है, ये ऑफ है ना ऑन है, तो इसको आप लोग को सही कर लेना है। जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हो, जाने के बाद यहाँ पर आ जाओगे, इधर पर आने के बाद आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिटेड यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो। इसमें जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोग को नो बैकग्राउंड प्रोसेस में रहेगा तो आपका बैकग्राउंड में, मतलब यहाँ पर होम स्क्रीन में जितने सारी चीज़ें चल रहा है वो हट जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ओके, कुछ भी चीज़ करने जाओ तो ऐसे हट जाएगा, यहाँ पर जो दिक्कत आता है यहाँ पर नहीं रहता है। जैसे मेरा रह गया है, मैं फिर से गेम पर जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आप लोग को क्या करना पड़ता है, आप लोग को दोबारा गेम को रिकनेक्ट करके जाना पड़ता है, वही दिक्कत को आप लोग सॉल्व करोगे। तो अगर मेरा स्टैंडर्ड लिमिटेड है तो आप लोग को देख लेना है यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड लिमिटेड तो अच्छा है। ओके, तो नहीं है तो आप लोग को और भी यहाँ पर कुछ भी है नो बैकग्राउंड में है तो आप लोग को नो बैकग्राउंड को हटा के इसमें ले लेना है। ओके, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये चीज़ को ऑन नहीं रखना है। ये क्या है, डोंट कीप एक्टिविटी। यहाँ पर डोंट कीप एक्टिविटी का मतलब यह है, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी चल रहा है, जैसे मेरे यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर एक्टिविटी में चल रहा है, तो इसको जैसे ऑन करके रखो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगा। तो इसको जो आप लोग को हमेशा ऑफ करके रखना है, दो चीज़ को देख लेना, देखने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बैकग्राउंड चेक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोगों यहाँ पर सेटिंग हो गया। उसके बाद आप लोगों को जाना है एप्लीकेशन में, होगा उसके बाद फिर से सेटिंग में जाना है। होगा यहाँ पर एप्लीकेशन में जा सकते हो, नहीं तो यहाँ पर ऐप इनपो में क्लिक करोगे तो इस तरह से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आप लोगों को जाना है यहाँ पर, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिले, यहाँ पर आप लोगों का मतलब अलग से एक ऑप्शन आ सकता है। होगा यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक है अलाउ बैटरी यूज इन बैकग्राउंड विदाउट, हो गई यहाँ पर जैसे ये पहले वाले में करोगे तो यहाँ पर आपका जो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रहेगा उसके बाद भी ख़त्म होता रहेगा, तो इसको देख लेना है। और मेरा जिसमें है इसमें आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। हो गई ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से लिखा होगा, इसमें आप लोग को सिलेक्ट करना है यहाँ पर रिकनेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ऐप, यहाँ पर रिकनेक्टेड नहीं होगा, इसको आप लोग को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों का जो 100% यहाँ पर सही हो जाएगा, ये दो चीज़ को सबसे पहले करो और आप लोग 100% जो यहाँ पर सही हो जाएगा। और नीचे वगैरह में जितने सारे चीज़ें लिखे रखा है इसमें आप लोग किसी में दबाना नहीं है, ये दो चीज़ को कर लो और डेवलप का ऑप्शन में उसको कर लो, आपका 100% जो यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल ही इसको करके देखना है, होगा करके देख के कॉमेंट में आके बताना है, और जो जो भाई लोगों का नहीं होता है वो ज़रूर से कॉमेंट में मेरे को बता कर जाना। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और करना है, यहाँ पर आप लोग को देखना है पोस्ट ऐप एक्टिविटी इन अन
सेंड, या पर ये जो लिखा है इसमें आप लोगों को इसको ऑन करके रखना है, ये देखना आप लोग ढूंढ के मिल जाएगा, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पर चार्ज ऑप्शन में जैसे चार्ज करोगे यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, इसको जाके आप लोगों को ऑन कर देना है। इसका क्या रहेगा, आप लोगों का बैकग्राउंड में यहाँ पर चलता रहेगा, परमिशन यहाँ पर रहेगा टेम्पोरली यहाँ पर चलता रहेगा होगा। यहाँ पर और कुछ नहीं यहाँ पर करना है, जो जो परमिशन यहाँ पर दिया हूँ यहाँ पर कर लेना, और यहाँ पर परमिशन में क्लिक करके होगा, यहाँ पर परमिशन में जैसे क्लिक करोगे मतलब ऐप में आके यहाँ पर परमिशन में क्लिक करोगे, यहाँ पर सारी परमिशन देने के बाद ये ऑप्शन आप लोग को फिर से देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस ऑप्शन को आप लोग को परमिशन में भी जाके यहाँ पर अलाउ कर सकते हो, नहीं तो आप लोग को इधर भी मिल जाएगा। तो आप लोग को इसको जरूर से अलाउ करके रखना, नहीं तो आप लोग को ये बैकग्राउंड में नहीं रहेगा गेम होगा। तो मैं जितना जानता हूँ आप सभी वालों को ये प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया होगा, 100% से 99% बंदे का सॉल्व हो जाएगा, ओके 1% का कुछ नहीं हो सकता कुछ इशू के कारण होगा। जब सबसे पहले इसको सॉल्व करो और 100% गेम को खेलो। मैं जितना जानता हूँ आप सभी वालों को समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें आप लोग करना है, क्या क्या चीज़ें के वजह से आप लोग को मतलब बार बार ऐसा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है होगा। तो मिलता है आपके साथ नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आज के वीडियो में इतना ही।